हम देखते हैं कि जुगासुरा की कियोमासा से लड़ रहा होता है और वो उस पे अपने कई सारे हमले को करता है, लेकिन जुगासुराकी के हमले का कियोमासा पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि कियोमासा अपने एक न्यू फॉर्म में उसके सामने आ जाता है। इस पे जुगासुराकी कहता है, आखिर मेरे इतने हमले करने के बाद भी तुम्हें भला कुछ क्यों नहीं हुआ? इस पे कियोमासा कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझे जुगासुराकी, तुम्हारा मरना तय है। इस पे जुगासुराकी कहता है, लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हो, देख लेना कहीं तुम्हें इसका पछतावा ना हो जाए। इस पे कियोमासा कहता है, अच्छा मैं तो यही चाहता हूं कि कोई मुझे मेरी ताकत को लेके पछतावा करवाए, लेकिन देखना ये है कि तुम ये कर पाओगे, चलो इसे आजमा लेते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कियोमासा अपना हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, जुगासुराकी उस पे अपना हमला कर देता है, लेकिन कियोमासा उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, कोशिश अच्छी थी लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है, समझे सैयन। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कियोमासा जुगासुराकी पे अपना हमला करता है, जिसे कि जुगासुराकी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हमले से काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कियोमासा कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी तक अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, चलो भी तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उससे पहले ही मारे जाओ, अपनी ताकत को बचाकर तुम भला क्या ही करोगे। हम देखते हैं कि जुगासुराकी कुछ भी नहीं कहता और वो दोबारा से खड़ा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और तुरंत ही वो कियोमासा पे टूट पड़ता है। इस पे कियोमासा कहता है, अरे ये क्या, मेरी कही हुई बातों से तुम्हें तो गुस्सा आ गया, लेकिन उसका भी तुम क्या ही कर लोगे। ये कहने के बाद वो जुगासुराकी के हमले को एक ही झटके में रोक देता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन लो जुगासुराकी, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं और ये भी जानता हूं कि तुम्हारी ताकत क्या है, तुम अपनी हर ताकत का इस्तेमाल क्यों ना कर लो, लेकिन ये मेरा वादा है, तुम्हारी मौत मेरे हाथों आज यहीं पर होगी, उस वक्त तो उस एंजल ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें बचाने के लिए यहां पर कोई भी नहीं है। इस पे जुगासुराकी कहता है, वो देखा जाएगा कि बचाने की जरूरत किसे पड़ती है। इस पे कियोमासा कहता है, वाह क्या बात है, मरने से पहले ऐसा रुतबा, मुझे ये पसंद आया, तुम साइंस खुद को पता नहीं क्या चीज समझते हो और आखिर किस चीज का तुम्हें खुद पर गर्व होता है, मुझे तो तुम सब कीड़े की भांति लगते हो और कुछ भी नहीं। इस पे जुगासुराकी कहता है, तुम इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। ये कहने के बाद जुगासुराकी अपनी ताकत को बढ़ाता है और उस पे फिर से अपना हमला करता है, लेकिन उसे ऐसा करता देखकर कियोमासा कहता है,
क्या बेवकूफी है, ये तो एक ही चीज को बार बार कर रहा है। ये कहने के बाद कियोमासा उस पे अपना एक पंच करता है, जिसे कि ज़ोगासुराकी रोक नहीं पाता और वो चोट खाकर नीचे गिर जाता है। लेकिन ज़ोगासुराकी फिर से खड़ा होता है और उसे ऐसा करता देखकर कियोमासा कहता है, बड़ी ही हैरानी की बात है, तो अभी भी तुम मुझसे इस फॉर्म में लड़ना चाहते हो? तो फिर ठीक है, चलो तुम्हारी आज अक्ल थोड़ी ठिकाने लगाते हैं। ये कहने के बाद कियोमासा तुरंत ज़ोगासुराकी के पास अचानक से पहुंच जाता है। ज़ोगासुराकी उसे देख के मनी मन कहता है, क्या ये इतनी तेजी से यहां पर कैसे आया? मैं तो कुछ भी नहीं देख पाया। इस पे कियोमासा कहता है, क्या हुआ, हैरान हो? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ोगासुराकी पे कियोमासा एक जोरदार हमला करता है। ज़ोगासुराकी उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी जख्मी हो जाता है। इस पे कियोमासा कहता है, अगर तुम अभी भी इस फॉर्म में मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हें अभी की अभी यहीं पर खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है, जो कि ओमनी पैलेस पे पहुंच जाता है। उसे देखकर गोहान और ब्रॉली काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या यामोशी आप यहां पर? इस पे यामोशी कहता है, हाँ, मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम है। मुझे ये बताओ कि गोकू कहाँ है? इस पे गोहान कहता है, डैड अपनी नई ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उनका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो इसलिए वो उस ताकत को कंट्रोल करने के लिए ओमनी चेंबर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं। इस पे यामोशी कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर कोड़ा के बारे में पता कैसे चल पाएगा? इस पे गोहान कहता है, क्या हुआ यामोशी, क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? इस पे यामोशी कहता है, कोड़ा को खतरा है गोहान। ये बात को सुनने के बाद ब्रॉली भी काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये भला आप क्या बोल रहे हैं यामोशी? इस पे यामोशी कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, हंटर कियोमासा आ चुका है और वो कोड़ा को मारने आया है। इस पे गोहान कहता है, कोड़ा तो इलाइट सैयन का प्रिंस है, मुझे पूरा यकीन है कि उसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, वो बहुत ताकतवर है। इस पे यामोशी कहता है, नहीं गोहान, तुम गलत कह रहे हो, कोड़ा को वो पहले भी मार चुका है। ये बात को सुनने के बाद ब्रोली और गोहान दोनों ही काफी चौंक जाते हैं और गोहान कहता है, क्या वाकई में सच कह रहे हैं, वो कोड़ा को पहले मार चुका है? इस पे यामोशी कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें कोड़ा को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हमसे पहले वो उस तक पहुंच गया तो वो उसे मार देगा। उधर हम कियोमासा को देखते हैं, जो कि ज़ोगासुराकी से कहता है, बस अब काफी हो गया ज़ोगासुराकी, अब इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं और तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कियोमासा ज़ोगासुराके पे अपना एक हमला करता है और कहता है, अब तुम मरो ज़ोगासुराके। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और जैसे ही वो धमाका हटता है हम देखते हैं कि ज़ोगासुराके वहां नहीं होता। इस पे कियोमासा कहता है, चलो ये तो मारा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से कोई उस पे काफी जोर का हिट करता है और हम देखते हैं कि ज़ोगासुराके अपने फाइनल फॉर्म में उसके सामने खड़ा रहता है। इस पे कियोमासा कहता है, वाह ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ज़ोगासुराके, मुझे ये पसंद आया। तो ये है तुम्हारी असली ताकत, चलो अच्छा है, तुम्हें मारने में मुझे और भी अब ज्यादा मजा आएगा।